साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे रक्त शोधक। साथियों ऋषि फार्मेसी का जो है प्रोडक्ट है ये रक्त शोधक, ट्रूली सेफ एंड हर्बल प्रोडक्ट है साथियों। दिस इज ब्लड प्योरीफायर। साथियों रक्त शोधक के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जानेंगे ऋषि रक्त शोधक सीरप है क्या, डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे, साथ ही साथ इसके इम्पॉर्टेंट यूजेस एंड बेनिफिट की बात करेंगे और इसमें क्या क्या मिला है साथियों, जैसा कि इसमें की इंग्रेडिएंट है, इंग्रेडिएंट की बात के बारे में बात करेंगे एंड डायरेक्शन फॉर यूज, डोजेस की बात करेंगे साथियों, साथ ही साथ सेफ्टी इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे एंड साइड इफेक्ट की बात करेंगे एंड MRP की बात करेंगे। तो साथियों रक्त शोधक जो हमारे पास प्रोडक्ट है ये ऋषि फार्मेसी का प्रोडक्ट है साथियों। ये देखिए साथियों ऋषि फार्मेसी एक सीतापुर की जो है साथियों कंपनी है, जिसका बॉम्बे में भी है हेड ऑफिस है साथियों। बहुत ही मतलब ट्रूली सेफ और बहुत ही इसका जो है अच्छा रिस्पांस है साथियों। जितने भी पेशेंट को इसका जो है दिया गया है उसका जो है बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो साथियों इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिप्शन, ऋषि रक्त शोधक इज एन आयुर्वेदिक मेडिसिन टू ट्रीट स्किन डिजीज। साथियों क्या होता है, स्किन में किसी तरह का विकार होता है उसके लिए जैसे क्या होता है पॉवर्टी, जैसे जवानी आती है गर्ल्स बॉयज में, क्या होता है कि स्कूल लाइफ में 12th पास आउट होते ही क्या होता है उनके एक्ने पिंपल्स, एक्ने बुलगोरिस और क्या होता है कील मुहासे इस तरह से निकलने लगते हैं। ऐसे केस में क्या होता है कि इंटरनल जो है ब्लड प्योरीफाई जो है ये सीरप पीने से क्या होता है इस तरह के विकार जो है शरीर में नहीं होते हैं। साथियों ये क्या है, इट्स नेचुरल हर्बल इंग्रेडिएंट प्योरीफाई द ब्लड, और ये क्या करता है ब्लड को प्योरीफाई करता है एंड रिमूव द टॉक्सिन्स, और जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं ब्लड में जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिमूव करता है एंड इम्प्रूव इम्यूनिटी, और ये क्या होता है कि इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग करता है। क्योंकि इसमें हर्बल बहुत सी मेडिसिन इसमें मिली हुई हैं, इंग्रेडिएंट हैं साथियों, आगे चल के मैं बताऊंगा। साथियों रक्त शोधक सीरप इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लड प्योरीफायर है जो कि हिमैटिनिक का भी काम करता है, मतलब कहने का मतलब है आयरन जो है आपको इसमें भरपूर मिलेगा, तो आयरन का भी काम करता है। जिनको आयरन हीमोग्लोबिन की कमी है या एनीमिया है उनमें भी बहुत ही लाभकारी है। साथ ही साथ हेपेटो स्टिमुलेंट साथियों क्या होता है कि जिनको भूख नहीं लगती है और किसी तरह से जो है मतलब फैट कोलेस्ट्रॉल सेलुलाइट जो है लीवर पे जम जाता है, कहने का मतलब है इनलार्ज जो है लीवर हो जाता है या इस तरह से लीवर का किसी तरह का विकार है तो उसको दूर करता है और लीवर को जो है कहते हैं गुड बनाता है। एंड साथियों क्या है कूल हर्बल्स इसमें मिले हैं इसमें, एंड विच हेल्प टू कंट्रोल द इचिंग ऑफ एनी एटियोलॉजी, कहने का मतलब है शरीर में कहीं पे भी इचिंग है, मतलब कहते हैं महिला और पुरुष के जननांग तक की अगर किसी तरह का स्किन में विकार है उसमें भी ये जो है बहुत फायदा पहुंचाता है। और साथियों साथ ही क्या करता है, क्लियर द इम्प्योरिटीज ऑफ द ब्लड एंड चेक्स द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल स्किन इन्फेक्शंस। इंटरनल और एक्सटर्नल किसी तरह का स्किन में इन्फेक्शन है तो उसको जो है दूर करता है, जो टॉक्सिन्स है उनको बाहर निकालता है, और इसका नाम ही इसीलिए रखा गया रक्त शोधक, रक्त को जो है ठीक करना। तो साथियों तो डिस्क्रिप्शन की बात हो गई। साथियों जो इसका MRP है 210 रुपये है, ऋषि फार्मेसी का प्रोडक्ट है रक्त शोधक, किसी भी मेडिकल स्टोर आयुर्वेदिक या केमिस्ट की दुकान पे आप कहेंगे तो तुरंत आपको ये मिल जाएगा। अदरवाइज हम डिस्क्रिप्शन में भी इसका जो है इसकी कंपनी का नंबर डाल देंगे तो उससे आप अप्रोच कर सकते हैं। साथियों इम्पॉर्टेंट यूजेस की बात करेंगे साथियों, तो ये प्रूराइटिस जो है होता है एक तरह का स्किन विकार होता है, छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, रेडनेस हो जाती है और उसमें जो है इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है, एंड पिसोरियासिस हो जाती है इनको, एक तरह से समझ लो कि सोराइसिस कह सकते हैं, स्किन की बीमारी होती है और अर्टिकेरिया साथियों हिंदी में इसको जो है पित्ती कहते हैं, कहीं पर क्या होता है खुजली होती है, रेडनेस हो जाती है और स्किन एकदम सहराती टाइप की है, मतलब मन करता है कि खुजली करते रहें, तो इस तरह के क्या होता है ब्लड की प्रॉब्लम की वजह से ऐसा विकार होता है। एंड साथियों क्या होता है एडल्ट जब जो जवानी आती है साथियों, कहने का मतलब जो युवा होते हैं यूथ होते हैं, महिला हो या पुरुष हो या गर्ल्स हो या बॉयस हो, तो एक्ने बुलगोरिस उनके क्या होता है पिंपल्स निकलते हैं वो, उसमें जो है ये ब्लड को प्योरीफाई करके उस पर कंट्रोल करता है। एंड स्कैबिस हो जाता है, स्कैबिस क्या होता है कि शरीर में खुजली होने पर लगती है, चकत्ती होती है, एक तरह से क्या होता है कि इंसेक्ट होते हैं 6 पैरों वाले और वो शरीर में जाके होल टाइप के बना लेते हैं, तो इसमें नीम की मात्रा बहुत ज़्यादा मिली है तो स्कैबिस को भी ठीक करता है और कीटाणु को मारता है। साथियों एक्यूट क्रॉनिक एलर्जिक डर्मेटाइटिस, किसी तरह की डर्मेटाइटिस है
एक्यूट है, क्रॉनिक है, पुराना है, असाध्य रोग है, स्किन से संबंधित है, तो उसको भी ये ठीक करता है। साथियों रक्त शोधक है जे मैनी हर्ब्स, ये क्या करता है, बहुत से हर्ब रखता है, विच आर मेंशनड इन आयुर्वेदा टू रिमूव टॉक्सिन्स, और ये टॉक्सिन्स को रिमूव कर देता है एंड इम्प्रूव इम्यूनिटी, और ये इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ स्किन का इन्फेक्शन किसी तरह का होता है उसको ठीक ही करता है। साथियों बहुत से तरह के यूजेस हैं साथियों, इसमें भी मेंशन है साथियों, यहाँ पे देखिए लिखा है खून की कमी को शांत करके समस्त विषाणुओं को नष्ट करता है, हिंदी में लिखा है साथियों, जिससे दाद, खाज, खुजली, अकौता, फोड़े, फुंसी जैसे समस्त चर्म रोग स्वतः ही जड़ से नष्ट हो जाते हैं, और युवा अवस्था में निकलने वाले मुहासे समाप्त होकर चेहरे का वर्ण निखार आता है। इसके नियमित सेवन से शरीर के लाल रक्त कणिकाओं में वृद्धि होती है, कहने का मतलब है आरबीसी सेल्स का भी फॉर्मेशन करता है, जैसा कि अभी हमने साथियों डिस्क्रिप्शन में बताया है, और जिससे शरीर की लालिमा छा जाती है और चेहरा सुंदर लगने लगता है। तो बहुत ही अच्छा साथियों ये सिरप है, ये तो इम्पॉर्टेंट यूजेस की बात हो गई। साथियों इंग्रेडिएंट की बात करेंगे साथियों, इसमें जब भी आप परचेज करेंगे जो लिखे हैं वही मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि इसमें जो है नीम के फूल 100 mg मिले हैं, और जो है क्या होता है ब्लड प्योरीफायर का काम करता है, मुंडी 100 mg मिले है, उन्नाव एक यूनानी पद्धति का जो है हर्बल है, उसका जो है क्या कहते हैं 15 mg मिला हुआ है, छोक चीनी 125 mg मिली है, और सीसम वुड मतलब कहने का मतलब है चांदी की जो है लकड़ी इसमें मिली हुई है 25 ग्राम, साथ ही साथ नीलकंठ 25 mg मिले है, अनंत मूल जो है इसमें मिला हुआ है साथियों, कचनार के छाल मिली है, कचनार एक हर्बल ट्री होता है उसका एक्सट्रैक्ट जो है उसकी जो है छाल इसमें मिली हुई है साथियों, साथ ही साथ इसमें मंजिष्ठा मिला हुआ है साथियों, एंड दूधिया हेमकंठ इसमें जो है मिला है, एंड गिलोय इसमें मिली है, और सीरप बेस मिला है साथियों, बहुत ही स्ट्रांग इसका कॉम्बिनेशन है साथियों। डीप में जाएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, अदरवाइज आप नेट पे देखेंगे सभी का जो है फंक्शन अलग अलग है। जैसे नीम के फूल मिले हैं तो नीम क्या है कि साथियों बहुत ही गुणकारी और असरकारक होता है, ब्लड प्योरीफायर होता है, और साथियों नीम का पेड़ लगाने से क्या होता है कि जहाँ पे भी उसकी पत्ती तक गिर जाती है तो वहाँ के सारे कीटाणु कीड़े मकोड़े सब मर जाते हैं, तो समझ लीजिए बहुत ही असरकारक है। उसी तरह से बहुत सी दवाइयाँ मिली हैं साथियों। डायरेक्शन ऑफ यूज का बात करेंगे, डायरेक्शन फॉर यूज एंड डोजेस की बात करेंगे, तो साथियों जैसे बच्चों में इसको देना है, अगर बच्चों को किसी तरह की दिक्कत है तो इसमें 2.5 ml से लेके 5 ml दिन में 2 बार, कहने का मतलब है 2.5 ml to 5 ml ट्वाइस ए डे। घर में जो चम्मच होता है वो एक चम्मच जो है 5 ml का होता है, आधी चम्मच सुबह देंगे आधी चम्मच शाम देंगे, अदरवाइज 5 ml जो है सुबह और शाम 2 बार देंगे। साथियों एडल्ट डोज की बात करेंगे 5 to 10 ml जो है ट्वाइस ए डे दिन में 2 बार देंगे, अदरवाइज एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन, जैसा फिजिशियन बताते हैं वैसा आप करिए। साथियों सेफ्टी इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, तो जब भी आप सीरप को परचेज करें केमिस्ट या आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से तो आप इसकी एक्सपायरी जरूर चेक करें, और इसका रीड द लेबल बिफोर यूज, कहने का मतलब है रीड द लेबल केयरफुल्ली बिफोर यूज, जब भी इस्तेमाल करें उससे पहले इसका लेबल जरूर पढ़ें, कीप आउट ऑफ रीच ऑफ द चिल्ड्रन, और बच्चों की पहुंच से इसको दूर रखें, स्टोर इन ए कूल एंड ड्राई प्लेस, और इसको जो है रूम टेम्परेचर पे घर पे रखें, और इसको ओरिजिनल कंटेनर में रखें। बहुत से लोग क्या करते हैं परचेज करके उसको क्या होता है दूसरी बोतल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ऐसा ना करें साथियों। ये इस तरह का सीरप है साथियों, ये इस कंटेनर में आता है, इसका जो है कवरिंग है साथियों 200 ml का सीरप है ये, इसकी MRP 210 रुपये है, सभी केमिस्ट की दुकान पे मिल जाता है साथियों। साइड इफेक्ट की बात करी जाए तो ट्रूली सेफ एंड हर्बल मेडिसिन है, किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है साथियों, और जो है बहुत ही अच्छा सीरप है। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे, किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।